Hey guys, welcome back to my channel. If you are new here, please take a moment to subscribe. I love making videos on different topics like fashion, makeup, home decor, vlogs, and also plants. आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू केयर फॉर इंडोर प्लांट्स. लाइक इफ यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम यू मस्ट हैव नोन टिल नाउ दैट हाउ मच आई लव प्लांट्स. लाइक आई एम ऑब्सेस्ड विद इंडोर प्लांट्स एंड मेरे पास ऑलमोस्ट 30 इंडोर प्लांट्स हैं. मोस्ट ऑफ द पीपल आर फॉन्ड ऑफ इंडोर प्लांट्स बिकॉज दे आर वेरी लो मेंटेनेंस. आपको ज़्यादा वाटर करने की जरूरत नहीं. इनफैक्ट यू नॉट नीड टू वाटर डेली. एंड बहुत सारे लोगों के पास नहीं पता होती बट ओवर वाटर मे किल योर प्लांट्स. सो इंडोर प्लांट्स को बहुत कम पानी देने की जरूरत होती है. एंड अब तो विंटर्स आ रहे हैं तो अब तो बहुत ही कम रिक्वायर्ड होते हैं लाइक 5 to 6 डेज में. बट क्या सिर्फ पानी देना सफिशियंट है प्लांट के लिए? द आंसर इज नो. बिकॉज पानी तो हम दे रहे हैं बट आप प्लांट्स को फूड कैसे सप्लाई करेंगे? सो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू फर्टिलाइज आर प्लांट्स बिकॉज मोस्ट सॉइल डज नॉट प्रोवाइड द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ. एंड ऑल्सो फॉर देयर ग्रोथ प्लांट्स एक्सट्रैक्ट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट्स सॉइल. सो इन टूडेज वीडियो आई विल बी शेयरिंग विद यू दैट हाउ डू आई फर्टिलाइज माई इंडोर प्लांट्स. सो गाइज विदाउट अ फर्दर एडू लेट्स गेट इन टू द वीडियो. सो आई स्टार्ट विथ किचन. जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने कुछ मनी प्लांट रखा है दैट इज पोथोस एंड ये मैंने नॉर्मल बियर की बॉटल्स में ग्रो किए हुए हैं. एंड गाइज पानी में चलने वाले पोथोस को फर्टिलाइज करने की जरूरत नहीं है बिकॉज इट विल अट्रैक्ट फंगस. सो आई वुड नॉट रिकमेंड इट. इंस्टेंट आई विल से टू चेंज वाटर ऑफ द प्लांट्स. सो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से मैं इसकी केयर करती हूँ. सो फर्स्टली वॉट आई डू इज कि मैं प्लांट को बाहर निकालती हूँ बॉटल से एंड इसके बाद प्लांट की जितनी भी लीव्स है मैं इसी सेम पानी से वॉश कर लेती हूँ बिकॉज ऑब्वियसली वी शुड नॉट वेस्ट वाटर. तो गाइज वेस्टेज को बचाने के लिए मैं इसी पानी से सारे लीव्स को अच्छे से वॉश कर लेती हूँ एंड समटाइम्स आई डू वॉश माई वाटर बॉटल ऑल्सो. एंड उसके बाद एज यू कैन सी मैं टैप वाटर नहीं फिल कर रही इसमें. मैं RO वाटर फिल करती हूँ बिकॉज टैप वाटर में बहुत ज़्यादा क्लोरीन होता है एंड दैट इज़ हार्मफुल फॉर प्लांट्स. बिकॉज मैं इसको पहले से करके देख चुकी हूँ बट आप देख सकते हैं जो अभी रूट्स आ रहे हैं वो सिर्फ RO वाटर की वजह से ही आ रहे हैं बिकॉज RO वाटर से हमारे प्लांट को सारा न्यूट्रिशन मिल जाता है. एंड वन मोर थिंग टू रिमेंबर, आप जब भी पानी चेंज करें देन डू वॉश इट्स लीव्स. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इट्स ग्रोथ. एंड लीव्स वॉश करने से लीव्स शाइन भी करते हैं एंड इसके कोई पोर्स क्लॉग भी नहीं होते हैं. एंड जितना भी डस्ट होता है हमारे लीव्स पे डिपॉजिट वो सारा निकल जाता है. सो दिस इज द मेथड विच आई फॉलो फॉर प्लांट्स विच आर ग्रोन इन वाटर. इसके बाद हम देखेंगे कि मैं अपने सॉइल वाले प्लांट्स को किस तरीके से उसकी केयर करती हूँ. गाइज मैंने सब बता दिया लेकिन सबसे यूजफुल इन्फॉर्मेशन तो मैं बताना ही भूली, वो ये कि हमें इसका पानी कब चेंज करना है. तो मैं जनरली 2 to 3 डेज पे चेंज कर देती हूँ. आई टेक आई गेस 3 डेज पे मैं चेंज कर ही देती हूँ. एंड येस जो हम पानी में मनी प्लांट को ग्रो करते हैं आप प्लीज इनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना. इनकी ग्रोथ थोड़ी स्लो होती है एज कम्पेयर टू दी प्लांट्स विच आर ग्रोन इन सॉइल बट येस फॉर डेकोरेशन पर्पज दे लुक सो गुड. सो पोथोस के साथ यहाँ पे मैंने एक लकी बैम्बू प्लांट भी रखा है. ये लकी ऑर्डिनरी जो ग्लास जार होता है उसमें आया था बट मैंने इसे अपने एक नॉर्मल कॉफी मग में ट्रांसफर कर दिया है. एंड गाइज ये भी बहुत सिंपल टू ग्रो है, बहुत इजी मेंटेनेंस है इस प्लांट का भी. बस इसका ये है कि टैप वाटर में आप इसे बिल्कुल भी मत रखना बिकॉज इट इज़ ट्राइड एंड टेस्टेड बाई मी. टैप वाटर में मैंने खुद देखा है कि मैं इस प्लांट के रूट्स ख़राब होने लगे थे एंड जब से मैं RO वाटर यूज़ कर रही हूँ ये बहुत अच्छा चल रहा है प्लांट एंड अच्छा है, मतलब दिस प्लांट इज़ गुड. एंड गाइज इसकी भी केयर के लिए मैं सेम प्रोसीजर फॉलो करती हूँ. लाइक फर्स्ट आई वॉश इट्स लीव्स एंड उसके बाद पानी चेंज करके न्यू पानी में इसे रख देती हूँ. गाइज दिस इज माई बालकनी जहाँ पे मैं अपने सारे सॉइल वाले इंडोर प्लांट्स को फर्टिलाइज करती हूँ. आई फर्टिलाइज माई प्लांट्स वंस अ मंथ. आप मंथ में ट्वाइस भी कर सकते हैं बट ज्यादा फर्टिलाइज नहीं करना है बिकॉज ओवर फर्टिलाइजेशन मे किल योर प्लांट्स. सो फॉर फर्टिलाइजेशन यू कैन आइदर यूज कॉम्पोस्ट और सीविड सोल्यूशन एंड दे वर्क एग्जैक्टली इन द सेम मैनर. अगर आपका घर बड़ा है एंड अगर आप कॉम्पोस्ट बना सकते हैं तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है. अदरवाइज Seaweed is also an organic solution. So
सो अभी मैं सीवीड सॉल्यूशन यूज कर रही हूँ एंड ये आपको इजिली अवेलेबल हो जाएगा अमेजोन पे. आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एंड यस, बॉटल के बैक साइड पे सारे डायरेक्शन लिखे हुए हैं कि हमें किस तरीके से इसे यूज करना है. सो सीवीड आप दो तरीके से यूज कर सकते हैं. पहला की फॉयलर स्प्रे एंड सेकेंड मेथड इज सॉइल ड्रेंचिंग. सो आई प्रेफर सॉइल ड्रेंचिंग. So as per direction, I'll take 1 liter of water and mix 3 ml of seaweed into it. And if you are a new gardener, then it is suggested that aap water ka level thoda zyada kar lo, like 1 liter se thoda sa zyada rakh lo, because plants abhi first time seaweed solution lene wale hain, to unke liye thoda harsh ho jata hai. Slowly and gradually, jab plants ko seaweed solution ki aadat ho jayegi, then they will start doing well. So guys, it's time to add seaweed into our plants. Now add it until you see the water coming out or leaking out from the bottom of the pot. So by this, we are ensuring that the entire root system gets its share of nutrients. Also, why seaweed? Because seaweed contains phosphorus, which helps plants develop healthy and strong root systems. Seaweed also improves soil texture, greatly improving drainage and aeration. Plants that grow in soils with good drainage are less likely to have issues with root rot or other diseases caused by excess moisture. सो प्लांट्स को फर्टिलाइज करने के बाद मैं पूरे दिन इसे बालकनी में ही रहने देती हूँ एंड फिर मैं इसे शाम को अंदर करती हूँ. सो गाइज, आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू ऑल. एंड अगर आपको ऐसी वीडियो अच्छी लगी है, आप आगे ऐसी प्लांट्स रिलेटेड और भी वीडियोज देखना चाहते हैं, देन डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन. एंड यस, प्लीज लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब. एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग.